इन दिनों भागलपुर नगर निगम के पार्षद नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी के कामकाज से काफ़ी नाराज चल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि भागलपुर नगर निगम परिसर में नगर आयुक्त चैम्बर के सामने मेयर सीमा शाह, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा समेत कई बार के पार्षद धरना पर बैठे हुए हैं। हम सीधा बातचीत करेंगे मेयर से कि आखिर वो आज यहाँ धरना पर क्यों बैठी हैं, क्या डिमांड है आपकी। मैम बताइए, क्या मांगे, क्यों बैठना पड़ा आपको धरना पर। उस 15 दिन में भी इसी जगह करती है तो बोलती है क्या मैडम सॉरी, हम घिसे में थे तो स्मार्ट सिटी को बैठे हुए थे। स्मार्ट सिटी में भी कोई काम नहीं है, सिर्फ वो बहानाबाजी है कि कैसे वो बैठक से दूरी होना चाहती है। दूसरी बात कि पार्षद से भी मिलना नहीं चाहती, पार्षद यदि समय ही लिया जाता है फिर भी उसको बहाना करके दो घंटा बैठा भी देने के बाद भी वो भगा देती है। ऐसे स्थिति में ऐसा नगर आयुक्त अफसर को यहाँ रहना उचित नहीं है। जब वो विकास ही नहीं करेगी करेगी क्या। आप योजना में 70 करोड़ है, वो साइन नहीं कर रही फाइल में, एग्रीमेंट जब तक नहीं कर रही तब कैसे होगा काम। सारे योजना ठप पड़ा हुआ है। दूसरी बात सफाई नहीं वही है, मतलब हर हम लोग बोर्ड अस्थाई में सारे चीज़ें निर्णय लिया जाता है, सिर्फ फाइल में ही बांध करके रख दिया, उसका अनुपालन कुछ नहीं होता। देखिए, मेरी जो सीमित मेरा जो दायरा है उसमें हम सभी लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि क्योंकि इस शहर से हमारा लगाव है, इस शहर में पले बढ़े हैं तो इस शहर के लोगों के प्रति हमारा लगाव है और इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो शहर के लोगों की समस्या है कम से कम मूलभूत समस्याओं का हम लोग निराकरण कर सकें। और इसीलिए विगत 15 साल 20 साल से जो शहर के लिए डंपिंग ग्राउंड की मांग थी वो हम लोगों ने अपने कार्यकाल में लड़कर पटना जाकर लेने का काम किया। लेकिन देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि डंपिंग ग्राउंड हम ले सकते हैं, अब उस डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा डंप करवाना क्या महापौर, वार्ड पार्षद, डिप्टी मेयर, हम लोग जाकर गाड़ी से कूड़ा वहाँ डंप करेंगे क्या? ये किसकी जवाबदेही बनती है कि कूड़ा यत्र तत्र डंप नहीं हो। कौन ये सुनिश्चित करेगा कि शहर का जो कूड़ा है वो शहर के एंट्रेंस पॉइंट में फेंका के डंपिंग ग्राउंड में फेंका है। ये सुनिश्चित करना नगर निगम में नगर आयुक्त का काम है। हम जनप्रतिनिधि मिलकर निर्णय लिए कि शहर को स्वच्छ रखने के लिए हम लोगों को डोर टू डोर कचरा संग्रहण की प्रक्रिया को शुरू करना है, जिसके लिए हमारे पास पर्याप्त फंड है और इसके लिए नगर आयुक्त महोदया ने हम लोगों को थोड़े दिन के लिए खुश करने के लिए 4,000-5,000 डस्टबिन मंगाने का काम किया और 4-5 वार्ड में बांटने का काम किया और उसके बाद से आज 1 साल हो गया है, उस प्रक्रिया को अभी तक धरातल पर उतारने का काम नगर आयुक्त। सर, एक मिनट रोकेंगे आपको। कल आपने कहा था कि हम जब धरना पर बैठेंगे तो कई काले कारनामे जो नगर निगम में हुए हैं उसकी हम पोल खोलेंगे, तो क्या कारनामे हैं, काले कारनामे जरा वो भी दो चार बता दीजिए। सर, कारनामे यही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप ये बताइए कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो कोरोना काल में पीपी किट, मास्क और ग्लव्स के लिए परेशान होते रहे और अंतोगत्वा उनको जो है एक बार पीपी किट और मास्क और ग्लव्स कुछ वार्डों में जहां पर कोरोना के पेशेंट मिले वहां पर पीपी किट दिया गया और बाकी जगहों पर मास्क और सैनिटाइजेशन एक बार देकर सिर्फ खाना पूर्ति की गई और अंतोगत्वा बिल कितना आ रहा है, 25 लाख 30 लाख रुपए का पीपी किट और मास्क और सैनिटाइजेशन बांट दिया गया। आखिर किनके बीच में बांट दिया गया, इसका हिसाब तो देना होगा। किनके बीच में 25 लाख रुपए का मूढ़ी दालमोट खाने की बात कर रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों को खाने के लिए मूढ़ी और दालमोट 25 लाख रुपए का दे दिया गया। आखिर कौन ऐसा सफाई कर्मचारी है, उस बेचारे सफाई कर्मचारी से पूछे जिसने इस पूरे कोरोना काल में ईमानदारी से काम किया है और जब उसको ये बात पता चलेगा कि 25 लाख रुपए के खाने का आरोप हम पर लगा है और हमारे ऊपर व्यय किया गया तो उसको भी शर्म आ जाएगी। आखिर अंतिम सवाल, कब तक धरना पर बैठेंगे आप। देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि धरना में बैठने के लिए इच्छुक नहीं होता है और ना खुद से चाहता है कि छीछा लेदर करे, लेकिन यह मजबूरी और लाचारी इन अफसरों ने पैदा करके रखी है कि आज जिस नगर निगम की अध्यक्षा महापौर साहिबा होती हैं आज वो खुद जमीन पर बैठी हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यदि स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव ईमानदारी से काम नहीं करता है या उसके काम पर आपको थोड़ा सा भी शक होता है तो 1 महीने में आप 3 प्रधान सचिव को बदलने का काम करते हैं। आज स्वच्छता सर्वेक्षण में भागलपुर गंदगी में 4th स्थान पर आया है। क्या आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सोकाउज नहीं करना चाहिए आपको ऐसे पदाधिकारियों के ऊपर कि जिसके अकाउंट में 200-300 करोड़ रुपए रखा हुआ है, बावजूद उसके जिसके पास पर्याप्त संसाधन है, बावजूद उसके क्यों आपका शहर 4th स्थान पर आया, क्यों यत्र तत्र कचरा फेंका हुआ है, क्या इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है क्या, ये
कार्यालय और आवास से बैठकर जो पूरे शहर को साफ करना चाहते हैं या पूरे शहर को सारे सिस्टम को सारे जनता की समस्या का समाधान करना चाहते हैं, क्या ये संभव है क्या? जनता का और पार्षद का मेयर का जब फोन नहीं उठाती है तो उससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या है। मेयर स्वयं डिप्टी मेयर तमाम पार्षद धरना पर बैठे हैं। हम सब मांग करते हैं नीतीश सरकार से कि ऐसे नगर आयुक्त को या तो भागलपुर से विदा करे या वो सिस्टम में सुधार लावे कि जनता का बात सुने। जो पार्षद आज टोटल काम नगर निगम में रुका हुआ है, नगर निगम जो स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है वो अंधेरा सिटी बन गया है। नगर निगम स्मार्ट सिटी अंधेरा सिटी बन गया है, ऐसा पार्षद का कहना, पार्षद प्रतिनिधि का कहना। दूसरे पार्षद भी हमारे साथ हैं, वार्ड नंबर 32 के हंसल सिंह हैं, उनसे जान लेते हैं। सर बताइए आपकी क्या डिमांड है? डिमांड 51 पार्षद का है, मेरा पर्सनल नहीं है। इस नगर निगम में कोई भी काम नहीं हो रहा है, लूट खसोट मचा हुआ है। जो हमारे उप महापौर महोदय ने जितनी सारी बातें बोली बिल्कुल सत्य बोली। आज ऐसी नौबत आ गई कि महापौर उप महापौर और सारे पार्षद को धरना पर बैठने का नतीजा है। अब ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। मतलब नगर आयुक्त एकदम पूरा अनियमितता कर रही है, चूड़ा मुड़ी सैनिटाइज साबुन सारा घोटाला यहाँ हो रहा है। इसी घोटाले को उजागर करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। घोटाले को उजागर करने के लिए नगर निगम के प्रतिनिधि नगर निगम परिसर में धरना पर बैठे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि जो पार्षद और मेयर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर।